सारी सेलिब्रिटीज आ रही थी और उसमें से कोई एक लीडर सेलेक्ट होना था, तो सबसे पहले वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पहुँच गए। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मित्रों मैं प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन राष्ट्रपति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे आप बताइए, आप क्या देख रहे हो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मित्रों? उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हमारे संदीप सर पहुँच गए। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल है और ना ही कुछ आसान है, सारा खेल मानने का है। जो ये मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो ये मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब कुछ आसान है, आसान है, आसान है। रही नहीं, आइए। बहुत तीन लेकर के बोला आपने, हाँ आसान है, आसान है, आसान है। ऐसे मैंने कब बोला वैसे? आसान, आसान, आसान। How to get rid of overthinking? कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? Yes sir. सब चाहते हैं ऑलमोस्ट। और एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा, वो लेकिन इस सेशन के एंड में मैं बताऊंगा। क्या बर्थडे किसका? मेरा। एंड में ओवरथिंकिंग ये प्रॉब्लम है। yes. इस तरीके से हम उलझ जाते हैं अपने थॉट्स में कि समझ ही नहीं आता कि वहां से बाहर कैसे आए। एक के बाद एक चेन बन जाती है थॉट्स की, अब उससे बाहर कैसे आना है ये हमको मिल करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। व्हाट आई डू टू गेट रिड ऑफ द ओवरथिंकिंग इज टू प्ले विद द चिल्ड्रन। मेरे पड़ोस में दो तीन छोटे छोटे टीनी डॉट्स हैं, 4 से 5 साल के, मैं उन्हें घर पर बुला लेती हूँ एंड उनकी सिली थिंग्स सुनो। उनके साथ आप बिल्कुल सिलियस थिंग करो, वॉट एवर दे डू आप उनको फॉलो करो। आपको 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, उसके बाद आप खुद ही फ्रेश फील करने लगोगे। वो जितना भी मसाला आपके दिमाग में चल रहा था वो सब भुन के सब चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। ओवरथिंकिंग की जड़ क्या है? जड़ कहीं बाहर होती है या हम खुद होते हैं? मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरे साथ में उसने ऐसा क्यों किया? जो किया वो प्रॉब्लम होता है या मेरे साथ में किया वो प्रॉब्लम होता है? मेरे साथ में। हाँ, उसने किसी और के साथ किया, दैट इज ओके, उसका नेचर है। बट मेरे साथ में क्यों किया? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैं। तो समझ जाओ ओवरथिंकिंग का दूसरा मतलब है आप इस मैं में जा करके फंस गए हो। और जब हम मैं को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो थॉट्स भी बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। जैसे कभी आपने फील किया हो किसी हिल स्टेशन पे गए हो, वहां पर सनराइज देख रहे हो, तो उसको क्या होता है? सर थॉट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं थॉट्स? क्योंकि कुछ देर के लिए आप खुद को भूल जाते हो। खुद मतलब क्या? आपकी प्रॉब्लम्स, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स। मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में ये होना चाहिए, मेरे साथ में ये हो रहा है, मतलब कि खुद को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है। समझ आ रहा है? तो अगर हम कहीं ऐसी जगह पर जुड़ जाएं, यानी कि खुद को भूल जाएं, तो हमारी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। और बच्चों के साथ में जब हम जाते हैं तो क्या होता है? वही होता है एग्जैक्टली जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो पहाड़ पे होता है। सबसे बेस्ट आइडिया है ये, मतलब इससे बढ़िया कोई आइडिया हो नहीं सकता है कि अगर आपके खुद के बच्चे नहीं भी हैं, जायज या ना जायज व्हाटएवर, तो क्या कर सकते हो? पार्क में जाकर के जहां पर बच्चे खेल रहे हैं उनको देखते रहो, उनके खेल में एक हो जाओ। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इमीडिएटली ऑल योर थॉट्स विल कम टू एन एंड। बजाय कि वहां पर जाकर के बैठो और देख करके अपने बारे में सोचो कि वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, तब तो और उलझ जाओगे। अरे क्या ये जिंदगी है, ये है वो है। नहीं, उनकी खुशी में आप खुश नहीं हो सकते क्या? अगर दूसरों की खुशी में आप खुशी महसूस करते हो तो आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में खुशी की कोई कमी नहीं है। और औरों की खुशी से दुखी होते हो तो आपकी जिंदगी झंड है। क्यों? देखना, समझना ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ निकल के आ रहा है। क्या है ना, पहले से कुछ भी प्लान नहीं है, तो कुछ मैं देखता जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। देखो बड़ा कमाल का कुछ है, क्योंकि अगर औरों की खुशी से आपको दुख होता है,
कि हाँ इसकी लाइफ तो कितनी बढ़िया है, इसके माँ बाप तो कितने बढ़िया है, इसके पास तो कितना पैसा है, मेरे पास ही सब कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो रोते ही रहोगे औरों की खुशी देख करके? किसी को दुखी देखोगे तब भी आप दुखी ही होगे, क्योंकि वाइब्स मैच हो गई ना, तो खुश कैसे होगे अंकल? सोचा है दुखी ही रहेंगे, और हमें पता ही नहीं होगा हमारी दुखी रहने की जड़ क्या है। वो जड़ हम सोचेंगे कहीं बाहर है, जड़ आप खुद हो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। बस हमको अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की पड़ी है कि मेरा बचपन वापस आ जाए। जिसका बचपन अभी चल रहा है उसको देख करके क्या हम खुशी महसूस नहीं कर सकते? ये क्या कमाल हो रहा है, मतलब ऐसी फीलिंग आनी चाहिए बच्चों को देख करके, क्योंकि अभी उनकी हेल्थ भी परफेक्ट है, कचरा दिमाग में भरा नहीं है। जो पूरी दुनिया का काम है अंदर कचरा भर देना, तरह तरह का ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशन, सो कॉल्ड फ्यूचर। अभी फ्यूचर क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पर, पास्ट क्रिएट नहीं हुआ, पास्ट है ही नहीं तो क्रिएट कहाँ से होगा, सिर्फ प्रेजेंट ही प्रेजेंट है उनके पास में। तो अगर उनको देख करके आपके दिल से उनके लिए दुआ निकले, हे भगवान की खुशी बनी रहे, ये खुश रहे, ये ऐसे ही खिलखिलाते रहे, भगवान बचाए इनको इनके माँ बाप से, खुद फंसे हुए हैं इस दुनिया में, उनको भी फंसा रहे हैं, जो भी आजाद है उनको बांध रहे हैं, क्या जरूरत है बांधने की। सो अगर औरों की खुशी में आप अपनी खुशी ढूंढ लो तो क्या होगा, आप उनकी खुशी में इन्वॉल्व हो जाओगे। उनकी खुशी में जैसे इन्वॉल्व होगे क्या होगा, खुद को भूल जाओगे। जैसे ही खुद को भूल जाओगे, थिंकिंग गायब। फिर जब वो माइंड पूरी तरह से पीसफुल होगा, उस टाइम पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, तब आपको बड़े क्लियर जवाब मिलेंगे। 90% केसेस में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ है ही नहीं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर एकदम आंसर आएगा कि हाँ जो प्रॉब्लम है इसका ये सॉल्यूशन है, चल निकाल लेता हूँ, खत्म। इसके लिए क्या करना है, ये करना है, कर देता हूँ, खत्म। मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, उसके बारे में आप सोचो यार उसने तो क्यों बोला, क्यों बोला, करना क्या, उसे जाकर पूछना ही तो है कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, तो क्या करेगा, मारने लग जाएगा आपको, बताएगा कि क्यों बोला। मतलब छोटा सा डिसीजन है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है। हाँ मान लो कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, तो फिर क्या कर सकते हो उस बड़े डिसीजन के लिए? एक बात पक्की है कि उस बड़े डिसीजन के बारे में चाहे आप एक साल तक भी सोचते रहो कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करो, अपने मोबाइल के अंदर टाइमर सेट करो, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर जो भी निकल के आएगा इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वही सोल्यूशन है। मेरा क्या होता है, बड़े से भी बड़ा डिसीजन है तो आई हैव टू टेक इट इन सेकेंड्स। कुछ भी है, इनफैक्ट आपने भी नोट किया होगा, जो भी आपके लाइफ के बड़े डिसीजन है, सो कॉल्ड बड़े डिसीजन, वो जल्दी होते हैं या टाइम लगता है उसमें? जल्दी होते हैं, टाइम नहीं लगता। और ज्यादा सोच करके जो आप करते हो, ज्यादातर क्या होता है उसके साथ, वॉट लगती है ना बाद में। जब हमको किसी चीज के बारे में क्लियर पता होता है तो क्या वहां पर टाइम लगता है डिसीजन लेने? नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं ये सेशंस कर रहा हूं, तो देर आर पीपल हु आर कमिंग विद ऑल काइंड ऑफ ऑफर्स कि भाई आपको ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। देर आर एंटरप्रेन्योर, देर आर पॉलिटिशियन, देर आर दिस एंड दैट, ये वो। तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे लिख के लगा दिया है, तो उसको मैं दूर से ही नमस्ते कर देता हूँ, भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सामने से बंदा बोलेगा, मेरा ऑफर है 1 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 10 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 100 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझे कितना टाइम लगा मेरे को सोच के बोलने में? हाँ, कोई और होगा बंदा सोच में पड़ जाएगा, 1 करोड़ में तो बोलेगा नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 10 करोड़, और 1 मिनट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, 100 करोड़, अरे करो ना क्या करना है। देख रहे हो कितनी जल्दी डिसीजन होता है अगर हमारा माइंड क्लियर होता है। तो भाई तेरा कोई भी ऑफर है तो कुछ भी सोच करके आ रहा है, नॉट इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड, और मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से वो भी बिल्कुल क्लियर है। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, तो डिसीजंस सेकंड में होते हैं, बड़े फास्ट हो जाते हैं, और वो सारे डिसीजन सही होते हैं, गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि सही और गलत है क्या, इट्स ओनली फ्रॉम योर ओन स्टैंड पॉइंट। हो सकता है आप एक डिसीजन ले रहे हो जो पूरी दुनिया को सही लग रहा है, लेकिन आपको वहां पर जाकर के खुद सही नहीं लग रहा है, तो क्या वो डिसीजन सही है गलत है? हाँ, आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ, बैठती हूँ, और मैं अपने आप को अलग करती हूँ कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम इस लड़की की है और क्या है, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम आप देखोगे तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा दे सकते हो, रादर देन अपने बारे में सोच के कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर।
यानी कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिटैच होकर के देखो, क्योंकि बार बार इस बात को याद रखना है जो डिस्कवर योरसेल्फ लिखा हुआ है ना, अगर स्पिरिचुअलिटी को एक लाइन में बताऊं ना आप लोगों को, जस्ट इन वन लाइन, वो ये है कि आपको मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो जितने कम हो गए हैं आपके अंदर, उतना ही समझ लो आप सही ट्रैक पे बढ़ रहे हो। और जितने आपके अंदर मैं से रिलेटेड थॉट्स आते हैं सुबह से रात तक, समझ जाओ उतना ही आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्यों? औरों के थॉट्स हमको नहीं बांधते हैं। जैसे यहां पे लाइट है, लाइट को मैं देख रहा हूं, लाइट यहां पर मैं कहीं जाकर फंस रहा हूं ना जी, मैं कैसा लग रहा हूं, ये जो हरकत मैंने करी इससे मैं लड़की तो नहीं लग रहा हूं, ये हाथ ऐसे कौन लड़का हिलाता है, ये क्या है, समझे? फंस गया। मैं इतनी मेहनत करके एक सेशन कर रहा हूं, किसी ने देखा नहीं तो मेरा क्या हो, लोग देख करके ये तो नहीं कहेंगे क्या बेकार सेशन है ये, समझे? यहां फंसता है ना आदमी जाकर के। और ये थॉट्स अगर हमारे अंदर से गायब हो जाए या कम हो जाए, उतना ही नेचर के पास में है, यही तो बच्चों के साथ होता है, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। सो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है, मैं से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं। अब ये पूरे यूनिवर्स में और आप में कोई फर्क ही नहीं है। खुद को ऐसे देखो कि मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको ऐसे देखो, मेरा एक फुद्दू सा दोस्त है, वो फंसा हुआ है चिंदी चीजों में, तो देखता हूं क्या है, बता भाई क्या कहां फंसा हुआ है, अब लोगों के सामने मत करने लग जाना है। अरे आपके पागल होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी जाएगी, हाँ अकेले में मतलब अपने माइंड के अंदर, हाँ बता कहाँ फंसा हुआ है, अच्छा ये है इसमें क्या है, ये कर लेना। कभी एक चीज नोट करी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जाके अपने किसी दोस्त से डिस्कस करते हो, वो कितनी जल्दी आपसे पीछा छुड़ाता है, यार मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ, मैं ये करूँ ये करूँ, ये कर लेना मेरा सर मत खा, होता है नहीं होता है, ऐसी साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से, कर लेना क्या फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ में, ब्रेकअप हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, साथ रहेंगे क्या फर्क पड़ता है, साथ रहेंगे कौन सा कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अलग हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और एक्चुअल में आप ऐसे ही हो, दो गुले हो। मतलब दुनिया में किसी के साथ में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, खुद के साथ में कुछ हो जाए नहीं नहीं बड़ा फर्क पड़ता है जी, हाँ मेरी उंगली पे खरोच भी आ जाए बड़ा फर्क पड़ता है, उसके साथ वाले का हाथ कट गया है क्या फर्क पड़ता है, क्यों रो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद के हल्के से उसमें रो रहे हैं बैठ करके, ये घोचुओं की निशानी है, तो घोचू मत बनो, डोंट बी अ घोचू, हाँ डोंट बी अ खच्चर, खच्चर इज बेटर, घोचू भी अच्छा है वैसे, ज्यादा ज्यादा अच्छा कौन सा है दोनों में से, खच्चर बेटर लगता है, अपनापन सा नजर आता है। लाइफ में इस चीज में है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है और छोटे होते चले जा रहे हो, यानी मैं से और फ्री होते चले जा रहे हो, उसी को समझ कहते हैं। मतलब इतने समझदार हो गए कि आपको समझ आ गया कि समझ में ही कुछ नहीं पड़ा है। दो तरह की प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में, एक जिसका सोल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना है। दोनों ही केस में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, घर में निठल लोग की तरह बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं है, बैठे बैठे तो नौकरी खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगी, पैसा खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगा, तो यहां पे क्या ठीक करना है, एक्शन लेना है, धक्के खाने हैं दुनिया में जाकर के। मैं 10 जगह गया कुछ नहीं हुआ, तो 20 जगह जा, नहीं वहां भी कुछ नहीं हुआ, 100 जगह जा, घर में जो पड़ा हुआ है सोचने से क्या होगा, फिगर आउट अ वे, इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब हमारे अंदर तक ये बात उतर आती है, तो हमें पता होता है हमें किस प्रॉब्लम के लिए किस लेवल पे काम करना है, ये प्रॉब्लम किस लेवल की है, हम उल्टे काम कर रहे हैं। जहां पर अपनी थिंकिंग पे काम करना है वहां पर हम एक्शन ले रहे हैं, और जहां पर एक्शन लेना है वहां पर निठल्लों की तरह पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसको पकड़ो, जड़ पैसा है तो एक्शन, और जड़ लोग हैं तो अपनी थिंकिंग,
लोगों को नहीं बदलना है, खुद को बदल लेना है। डिस्कवरी योरसेल्फ जो लिखा हुआ है, मैं वो सरप्राइज दे दूं आप लोगों को? यस और नो? तो सरप्राइज ये है कि ये वाला जो सेशन है आज का, हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, मतलब ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ इस कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो इसलिए मैंने पहली बार ऐसा एक डिसीजन लिया है कि ये जो सेशन है ये एक पार्ट में नहीं, चार पार्ट्स में होगा। यानी आज इसका पहला पार्ट दिया है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो जो कमिंग सैटरडे है यानी नेक्स्ट सैटरडे है तब होगा, उसका थर्ड पार्ट उसके अगले सैटरडे होगा, उसका जो फाइनल पार्ट है वो उसके अगले सैटरडे। अभी तक क्या होता आया है कि मेरे हर सेशन में नए लोग आते हैं, पहली बार ऐसा होगा। अब समझ आया, ट्यूज लाइट थोड़ी लेट जली है, फिर मिलेंगे। ये बोलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पहले सेशन में मैं ऐसा किसी को बोल रहा हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। यस और यस बहुत जोर की आई है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरीन 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 आफरीन। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं।